Z5X करके जो डिवाइस आने वाला था Vivo की तरफ से, वो इंडिया के अंदर ऑफिशियली Z1 Pro के नाम से हो सकता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसे लीक्स के अकॉर्डिंग माना जा रहा है। और इस डिवाइस की जो है ऑफिशियली टीजर जो है यूट्यूब अकाउंट के ऊपर, Vivo के यूट्यूब अकाउंट के ऊपर शो कर दिया गया है Vivo की तरफ से। और देखने से ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल हूबहू Z5X ही है ये डिवाइस, लेकिन इसका नाम जो है इंडिया के अंदर Z1 Pro के नाम से आने वाला है। तो इस वीडियो के अंदर इसके बारे में हम बात करने वाले हैं और देखते हैं कि इसके अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलने वाला है, और साथ ही में वीडियो के लास्ट में देखने वाले हैं कि इंडिया के अंदर इसकी प्राइसिंग जो है क्या होने वाली है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को जो स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर के बटन के ऊपर क्लिक करके जो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाइस, सबसे पहले अगर ओवरऑल डिज़ाइन को लेकर बात की जाए तो बैक की साइड आपको सेम डिज़ाइन देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलते हैं और बीच में एक फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है, और कैमरा सेंसर के नीचे आपको जो है LED फ्लैश देखने को मिल जाती है। तो अगर फ्रंट की साइड बात की जाए तो यहाँ पर आपको इन डिस्प्ले कैमरा सेंसर का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, यानी कि पंच होल डिज़ाइन के साथ आने वाली है। और साथ ही में जो है स्क्रीन के अंदर आपको AMOLED पैनल का सपोर्ट नहीं मिलने वाला, यहाँ पर IPS पैनल का जो है यूज़ किया जाने वाला है। साथ ही में अगर प्रोसेसर को लेकर बात की जाए तो ऐसा माना जा रहा है कि स्नैपड्रैगन की 700 सीरीज़ का कोई प्रोसेसर जो है इस डिवाइस के अंदर यूज़ किया जाने वाला है। और कुछ आर्टिकल में मैंने पढ़ा था कि इसके अंदर आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 712 प्रोसेसर जो है देखने को मिल जाता है। अगर 712 प्रोसेसर इस डिवाइस के अंदर इंडिया में लॉन्च हो जाता है तो Vivo Z1 Pro जो है पहला डिवाइस बन जाएगा इंडिया जो कि 712 प्रोसेसर के साथ आने वाला है। साथ ही में अगर बात की जाए इस प्रोसेसर की परफॉर्मेंस को लेकर, तो इसकी जो परफॉर्मेंस है 710 के मुकाबले 5% जंप देखने को मिलता है, लेकिन गेमिंग एक्सपीरियंस दोनों में आपको सेम ही देखने को मिलेगा। साथ ही में इसके अंदर जो आपको ट्रिपल कैमरा सेंसर दिए गए हैं, जहां पर आपको 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर माना जा रहा है कि हो सकता है, और ये AI कैपेबिलिटी रखता है, यानी कि AI मोड इसके अंदर होने वाला है। इसी के साथ ही मैं अगर बात की जाए इसकी बैटरी कंपार्टमेंट की ओर, तो इसके अंदर आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी जो कि काफ़ी बड़ी है, और उसी के साथ ही में आपको जो है फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिलेगा जो कि 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग होगी। अब देखना ये होगा कि इसके अंदर आपको पोर्ट कौन सा देखने को मिलने वाला है, micro USB 2.0 मिलता है या फिर Type-C का पोर्ट देखने को मिलता है। अब काफ़ी सारी लीक्स जो ऐसा मानती हैं कि इस डिवाइस को जो है रीनेम करने का एक ही मकसद हो सकता है, जो कि इसको कम्पीट करेगा डायरेक्टली Galaxy M40 के साथ, और Galaxy M40 के साथ जो है मोटोरोला का वन विजन भी कम्पीट करने वाला है। तो इसकी जो प्राइसिंग है वो लगभग से 20,000 टच करने वाली है। जी हाँ, 20,000 रुपीज़ इसकी जो प्राइसिंग है टच कर सकती है इंडिया के अंदर। अब बाकी की इन्फॉर्मेशन के लिए ऑफिशियल अनाउंसमेंट का तो वेट करना ही